प्रातः क्लास चल रहा था, 5/11/1966 शनिवार को तीसरे पेज की दूसरी लाइन में बात चल रही थी, पतित पावन परम पिता परमात्मा को कहा जाता है तो आकर के उन्होंने क्या किया होगा, वो तो रचयिता है ना। कहा जाता है हेवनली गॉडफादर, तो हेवन की ही रचना रचयिता होगा, स्वर्ग रचा होगा ना। तो बस वो स्वर्ग का वर्षा देते हैं, ये तो खुद ही तुमको समझना चाहिए कि वेद का बाप रचयिता है स्वर्ग का। स्वर्ग का रचयिता है तो वो क्या देंगे, स्वर्ग का रचयिता देंगे ना। जब आएंगे स्वर्ग का रचयिता देंगे कौन आएंगे, कौन आते हैं इस दुनिया में, पतित दुनिया में है शिव बाप आते हैं, शिव बाप क्या है, है शिव बाप ज्ञान का अखूट भंडार है, जिस भंडार में से सारा ही निकाल लिया जाए तो भी सारा ही बचता है, ऐसा ज्ञान का अखूट भंडार क्या देंगे, ज्ञान देंगे, किसका ज्ञान देंगे है, स्वर्ग के रचयिता का ज्ञान देंगे। वो ज्ञान का भंडार खुद जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है, वो त्रिकालदर्शी जानता है कि इस मनुष्य सृष्टि में स्वर्ग का रचयिता कौन है, उसके अलावा कोई दूसरा जानता है, स्वर्ग का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा, स्वर्ग भी साकार, स्वर्ग का रचयिता भी साकार, उस साकार रचयिता का परिचय
कौन देते हैं? जन्म मरण के चक्र से न्यारा बाप देते हैं। आते तो जरूर हैं, क्योंकि स्वर्ग जो स्वर्ग 5000 वर्ष के बाद नरक बन जाता है, क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। नरक कौन बनाता है? नरक बनाता है। स्वर्ग कौन बनाता है? है स्वस्थिति में रहने वाला स्वर्ग बनाता है। स्वर्ग बनाने वाला, नरक बनाने वाला, एक ही है या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। जो नरक बनाता है वो स्वर्ग नहीं बनाता है, है? अरे जो नरक बनाता है, नरक बनाता है, वो नर है स्वस्थिति में स्थित होकर के 100% स्वस्थिति में स्थित होकर स्वर्ग नहीं बना सकता। ये क्या बात, भरत फट से पलट गए। स्वस्थिति में जो पहले स्थित होता है वो अब्बल नंबर अल्लाह बल्दीन कहा जाता है। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा, इस दुनिया की बात है या आत्मलोक की बात है? तो इस दुनिया में सत्व प्रधान सतयुग भी बनता है और तमो प्रधान नरक भी बनता है, कलयुग भी बनता है। तो बनाने वाला कौन साबित हुआ? नरक है या स्वर्ग है, कौन बनाता है? मनुष्य सृष्टि का बाप संघ के रंग में आकर के नरक बनाता है। किसके संग के रंग में आकर है? रावण कौन? रामी रावण बनता है सतयुग से लेकर, है? द्वापर युग से राम रावण बनता है। राम रावण बनता है या राम रावण संप्रदाय से टक्कर लेता है? अरे दो बातें कैसे होंगी?
राम ही रावण बनता है, लेकिन कब बनता है? है कलयुग अंत में बनता है। अंत में, अंत कब? है कब कहा जाए अंत? सन 37 में कहा जाए या आगे पीछे कहा जाए? चौरासीवें जन्म के अंत में या आदि में? है अंत में। तो कब होता है 84वें जन्म का अंत? कब? संगम युग तो 100 साल का, उसमें कलयुग का अंतिम पॉइंट और सतयुग का आदि पॉइंट कब कहें? है 2018 में तो 8 होना चाहिए कि 1 होना चाहिए? है 18 में 8 होना चाहिए और 70 में है 7 होना चाहिए। 71 होगा या अनेक होंगे, तो वो एक कौन? शिव बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो शिव बाबा सत्य है। एक सत्य है या 8 सत्य है या अनेक सत्य है? सत्य का कभी विनाश होता है? असत्य अर्थात झूठ को पांव नहीं होते, झूठ भाग खड़ा होता है और सत्य अडिग रहता है। कहते हैं भारत में भगवान आते हैं और किसी धर्म खंड में नहीं आते हैं, क्यों? और धर्म खंड विनाशी हैं, न पहले थे और न अब अंत में रहेंगे, और भारत खंड अविनाशी है। तो जो अविनाशी है वो सत्य है, यह विनाशी धर्मखंड सत्य है, अविनाशी धर्मखंड सत्य है। क्यों सत्य है? कारण होगा। दूसरे धर्मखंड सत्य क्यों नहीं है? है इसलिए सत्य है कि जो सदा सत्य है कौन? जो सदा सत्य है
वो सदा कल्याणकारी होगा या अकल्याणकारी होगा? तो सदा कल्याणकारी कौन है? है शिव बाबा कि शिव बाप? शिव बाप सदा कल्याणकारी है। इस झूठ खंड में आता है पतित दुनिया में आता है, पतित तन में प्रवेश करता है तो भी सत्य है, सदा सत्य है, सदा शिव अर्थात कल्याणकारी है। क्योंकि उस आत्मा के सत्य अर्थात सच्चाई का विनाश कभी होता ही नहीं। कोई भी पतित के संग में आवे फिर भी उसको संग का रंग लगता ही नहीं। और मनुष्यात्माओं को संग का रंग लगता है। जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है आखिरीन उसको संग का रंग लगता है या नहीं लगता? लगता है। कोई को संग का रंग बड़ी तेजी से लगता है, क्षिप्र गति से लगता है, और कोई को धीरे 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 लगता है। जैसे नंबर दो का धर्म पिता आता है, दो नंबर अच्छा माना जाता है बुरा है? बुरा। कौन है दो नंबर का धर्म पिता? इब्राहिम। विधर्मियों विदेशियों के बीच में नंबर वन। वो सात्विक आत्मा आती है या तामसी आत्मा आती है? सत्यधाम से आती है। और किस में प्रवेश करती है? है कौन आधार मूर्त है? दूसरे नंबर का धर्म वो नारायण, जिसका शास्त्रों में कोई गायन नहीं है। सोलह कला संपूर्ण होता है, है? कहां से वो कमजोरी आई जो सोलह कला संपूर्ण नहीं बन सका? है संगम युग में। संगम युग में क्या कमजोरी आई? है बाप को नहीं पहचानता। ब्रह्मा बाप को पहचानता है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप ब्रह्मा बाप को पहचानता है? तो वो तो अब्बल नंबर सतयुग का नारायण है, सेकंड नारायण की क्या गलती है? पूरा नहीं क्यों नहीं बना? पूरा ज्ञान नहीं उठाया। पूरा ज्ञान क्या नहीं हुआ? ऐसा कौन सा ज्ञान का पॉइंट है जो उसने नहीं उठाया?
है किसी के दृष्टि के संग, दृष्टि के संग, दृष्टि के संग के रंग में आया। सेकंड नारायण, सेकंड नारायण आधार मूर्त है, जड़ है। जैसे पेड़ की जड़ आधार होती है, यह बीज है तो आधार में ज्यादा ताकत या बीज में ज्यादा ताकत? तो जो सेकंड नंबर नारायण है उसका भी बीज कौन है? इस्लाम धर्म का मुख्य बीज। जो इस्लाम धर्म का मुख्य बीज है उसमें क्या कमी होती है जो जड़ में भी आती है और इस्लाम धर्म के तने में भी आती है, पत्ते पत्ते में आती है, क्या कमी होती है? अरे है, अरे पवित्रता, पवित्रता की कमी होती है। पूरा श्रीमत पर नहीं, क्या कौन सी पूरी श्रीमत? अरे अभी अभी तो बताया नारायण के लिए है, दृष्टि के संग के रंग में आने की बात उसकी बुद्धि में नहीं बैठती। ब्रह्मा के मुख से निकली वेदवाणी में ये बात है, जिसे हम मुरली कहते हैं। क्या दृष्टि या आंख है, शरीर का अंग है या नहीं है? देह की इंद्रिय है, भले ज्ञान इंद्रिय है, परंतु वो ज्ञान इंद्रिय भी विविचारी बनती है या नहीं बनती है? और मुरली में आया है बाप बच्चों को दृष्टि देते हैं, एक एक को बैठ सकाश देते हैं। तुम बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन इस्लाम धर्म की जो आत्माएं हैं, चाहे आधार मूर्त हो और चाहे बीज रूप हो, वो इस बात को नहीं मानती, या उनकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं कि दृष्टि के संग के रंग से आत्मा नीचे गिर सकती है। संगम युग में भी माया रावण कहो या माया बेटी कहो, नाम दिया ना माया बेटी, तो कोई तो होगी जो भगवान की पावरफुल बेटी है लेकिन माया भी है।
ये तो बात बुद्धि में बैठती है कि ब्राह्मणों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लेकिन ये बात बुद्धि में बैठती है कि एक बाप जो ऊंचे से ऊंचे है उसके सिवाय कोई और आत्मा से दृष्टि का संग का रंग नहीं लेना चाहिए, बैठता है? है? इसका प्रूफ क्या है? ब्राह्मणों की दुनिया में इसका प्रूफ भी मिलता है। क्या है? है कौन कौन ब्राह्मण दृष्टि लेते? नौकरियों के ब्राह्मण गाये हुए हैं, नई धर्म गाये हुए हैं, तो कौन सी कुरी के ब्राह्मण की ये बात है? बहुत पक्की है कि वो इस बात को नहीं मानते। क्या? कि दृष्टि से सृष्टि कैसे बनती है? एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की दृष्टि के संग के रंग से सृष्टि श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग बनती है, औरों की दृष्टि के संग के रंग से सृष्टि पतित बनती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये बात माया बेटी की बुद्धि में बैठती है? है? नहीं बैठती। और उस माया बेटी को फॉलो करने वाली जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं उनकी बुद्धि में ये बात आज तक बैठी है? नहीं बैठी। ये परंपरा किसने चलाई? माया बेटी ने ये परंपरा चलाई। बेटी है, ब्रह्मा की बेटी है ना, ब्रह्मा की बेटी है तो ब्रह्मा और ब्रह्मा माने बड़ा बा, बड़ा माँ, बड़ी माँ, तो बड़ा बाप भी होगा ना? है? बड़े ते बड़ा बाप कौन? जिसका कोई बाप नहीं है, शिव बाप। शिव बाप के जो बच्चे हैं, शिव बाप आत्मा, तो बच्चे भी आत्मा, देवान का नाम निशान नहीं, वो आत्मा शिव बाप के बच्चे सृष्टि के आदि में रहे होंगे ना? है? जिनमें आंख के आधार पर भी देवान का नाम निशान नहीं, आत्मिक स्थिति। और बेटी, जो बेटे होते हैं वो बाप को फॉलो करते, और बेटियां माँ को फॉलो करती। उन बेटियों में माया बेटी भी मुख्य है या नहीं है? है? तो वो बाप को फॉलो करती या ब्रह्मा रूपी बड़ी अम्मा या जगद अम्मा को फॉलो करती? ब्रह्मा को फॉलो करती।
ब्रह्मा को भगवान बाप कहें है? क्यों? माँ का पाठ चला, उसमें शिव बाप प्रवेश नहीं करते थे? करते थे, फिर बाप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाप से तो वर्षा मिलता है। क्या बाप की पहचान? क्या बाप से वर्षा मिलता है, माँ से वर्षा नहीं मिलता। तो जो ब्रह्मा का पार्ट है, उस ब्रह्मा के पार्ट से जब तक ब्रह्मा रहा, स्वर्ग का वर्षा किसी को मिला है? नहीं मिला। तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा या नहीं मिलेगा? किससे? फिर वो बाप कौन? कोई है या नहीं है? प्रैक्टिकल में है या हवा की बातें हैं? प्रैक्टिकल में है। तो जो प्रैक्टिकल में है वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। क्या? मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप है तो अम्मा भी होगी या नहीं होगी? मनुष्य सृष्टि का बाप जगत पिता, तो अम्मा जगत माता। जगत माता को फॉलो करने वाली बच्चियां और जगत पिता को फॉलो करने वाले बच्चे, वो हुए रुद्रमाला के मणके। कौन? बच्चे। और वो ही बच्चियां। कौन सी माला? विजय माला। तो अब दोनों के बीच में जगत पिता और जगदम्बा, दोनों के बीच में वर्षा देने वाला कौन है? बाप वर्षा देने वाला। करोड़पति बाप होगा तो करोड़ का वर्षा देगा। मल्टी मिलियनायर बाप होगा तो मल्टी मिलों का वर्षा देगा। बड़ा जमींदार बाप होगा तो बड़ी जमीन का वर्षा देगा। पहले तो बाप के पास वो जायदाद होनी चाहिए ना? नहीं, बाप के पास होगी तो बच्चों को देगा। अब यहां दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो आत्माओं का बाप है वो स्वर्ग का वर्षा भोगता है? उसके पास स्वर्ग का वर्षा रहता है? उसके पास है ही नहीं तो देगा कैसे? देगा? इस बात को विधर्मी नहीं समझते। वे माने विपरीत, धर्मी माने धर्म वाले। विपरीत धारणा वाले नहीं समझते। कौन? विधर्मी। कौन कौन? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि। ब्रह्मा नहीं है? हाँ हाँ, चंद्रवंशी सही। ब्रह्मा इस बात को नहीं समझता। क्या
क्या है? शिव से वर्षा नहीं मिलता स्वर्ग का, लेकिन शिव स्वर्ग का वर्षा देने वाले बाप को पैदा करता है। बाप का स्वर्ग रचयिता का परिचय देता है, है? इसलिए बोला जब आएंगे स्वर्ग का रचयिता देंगे। क्या वो आते हैं इस दुनिया में तो 500-700 करोड़ जो भी आत्माएं हैं उनको स्वर्ग कहो, जीवन मुक्ति कहो, जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्ति का वर्षा देंगे या नहीं देंगे? खुद देंगे है। जो स्वर्ग का रचयिता है उसके द्वारा देंगे। जैसे मल्टी मिलियनेयर बाप है, हो सकता है कि वो बाप दादे का वर्षा लेकर ना आया हो, मल्टी मिलियनेयर का खुद पैदा किया हो। करोड़पति बाप दादे से वर्षा लेकर ना आया हो, करोड़ खुद पैदा किया हो, ऐसा हो सकता कि नहीं है? अरे हो सकता है ना। तो ऐसे ही 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि में से वो मनुष्य आत्मा जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है वो ज्ञान का वर्षा, अखूट ज्ञान का वर्षा वेद के बाप से पहले लेता है, अखूट वर्षा जो ज्ञान कभी उसके अंदर से खूटता ही नहीं, इसलिए उसका नाम भारत है। क्या भा माने? ज्ञान की रोशनी में, रत माने लगा रहने वाला है। चैतन्य की बात है या जड़ जमीन की बात है? चैतन्य की बात है। संगम में भी ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी निकलती है उस वेदवाणी का मर्म जानने वाला वेदवाणी कहो, गीता माता कहो, उस माता के रोम रोम को जानने वाला बाप होगा या बच्चे होंगे? तो गीता ज्ञान जो बाप आकर के देते हैं, आत्माओं का बाप, उस गीता ज्ञान के रोम रोम को जानने वाला कैसे? वो एक ही क्यों? और बच्चे क्यों नहीं? और मनुष्य आत्माएं भी तो आत्माएं है ना, वो क्यों नहीं? जन्म मरण के चक्कर भी आते हैं ना। वो तो ऊपर से आता है आत्माओं का बाप, लेकिन एक को ही क्यों देता है? वो एक ही 100% आत्मिक स्थिति को। गीता माता के
रोम रोम को जानने वाला है। गीता का पति है शिव ज्योति बिंदु, आत्माओं का सिर्फ बाप है या पति या ग्रैंडफादर या और संबंधी भी है, तो वो तो गीता माता का पति नहीं कहा जा सकता। फिर पति कौन है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो ही गीता पति भगवान है। किस आधार पर वो गीता माता के रोम रोम को जानता है? अच्छी तरह गहराइयों को जानता है। आधार क्या है? गीता निराकार स्टेज में रची थी बाप से। वो तो निराकार बाप आकर के ब्रह्मा के द्वारा गीता ज्ञान देता है, वो निराकार है। निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? गीता ज्ञान निराकार है, लेकिन गीता ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली धरणी, धारण करने वाली को क्या कहते हैं? धरणी माता भी होनी चाहिए ना? नहीं, वो कौन? प्रजापिता। प्रजापिता भी तो ज्ञान को धारण करता है। हा? जो प्रजापिता है, जैसे सतयुग के कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा, वैसे राम बाप को कहा जाता है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करके बुद्धि में तो धारण करता है, नहीं है? बुद्धि में धारण करता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल इंद्रियों में भी धारण करता है? करता है। क्यों नहीं धारण करता? कारण बताओ। है पुरुषतन है। भगवान बाप ब्रह्मा के तन से कहते हैं पुरुष सब ए टू जेड क्या है? दुर्योधन दुशासन। दुर्योधन कहा जाता है दुष्ट युद्ध करने वालों को। क्या? दुष्ट युद्ध करने वालों को। और दुशासन कहा जाता है दुष्ट शासन करने वालों। दुष्ट कहा जाता है जो जबरदस्ती करे, प्यार से नहीं, थोड़ा बहुत कर लिया प्यार से, नहीं कंट्रोल में आया तो जबरदस्ती, तो उसको दुर्योधन दुशासन नहीं कहेंगे, है? दुर्योधन दुशासन कहेंगे। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो पुरुष है ना, है? इसलिए प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल इंद्रियों के द्वारा गीता ज्ञान को धारण नहीं कर सकता।
तो भगवान किसको निमित्त बनाते हैं? है कन्याओं माताओं, कन्याओं माताओं में भी नंबर वार होंगी ना, है अब्बल नंबर कौन? वो ब्रह्मा जो इसी जीवन में संगम युगी पुरुषार्थी जीवन में सभी इंद्रियों के द्वारा, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो और चाहे कर्म इंद्रियां हो, प्रैक्टिकल जीवन में गीता के ज्ञान को धारण करके दिखलाती है। क्या 100% या कम परसेंट? 100% जो धारण करेगी वो 5000 वर्ष में भी 100% धारण करने वाली अब विभिचारिणी होगी या विभिचारिणी होगी, वो किसका दायन है? शास्त्रों में नाम क्या है? पार्वती। वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, या तो स्वयंभू स्वयं पुरुषार्थ करके संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला स्वयंभू, कैसे? स्वयं माने कैसे? पुरुषार्थ करके या बिना पुरुषार्थ के? स्वयं पुरुषार्थ करके स्वयं संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला। जन्म लेने वाले की जयंती मनाई जाती है? नहीं, जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? तो शिव के साथ एक ही नाम है, शिव की तरह काम करने वाले का। शिव माने कल्याणकारी। तो दो चार बच्चों का पिता होगा तो दो चार बच्चों का कल्याण चाहेगा या कल्याण चाहेगा? और विश्व का पिता हो है, सारे विश्व का कल्याण चाहेगा तब विश्व पिता होगा, या एक दो का कल्याण ना चाहे तो विश्व का पिता कहा जाएगा? कहा जाएगा। अरे बोलो, कोई कोई तो बोलते ही नहीं, मुंह चुप। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है, सही बात है। तो वो विश्व पिता गाया जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारा विश्वधर विश्व, सारे विश्व धर्मों के लोग उसे विश्व पिता मानेंगे। और वो विश्व पिता सारे विश्व को एक कुटुंब में ला के रख देगा, तब गायन होगा वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा ही कुटुंब है, परिवार है। तो बिना मुखिया के परिवार बनेगा
बिना बाप के परिवार बन जाएगा, कुटुंब बन जाएगा या नहीं है? बाप हो, परिवार हो तो कहा जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। तो कौन सा बाप होगा, आत्माओं का बाप या मनुष्य सृष्टि का बाप? मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय देता है कौन? शिव बाप। बस उसका काम पूरा हुआ। वो सत्य का भंडार है ना, सत्य बात बताता है या झूठी बात बताता है? सत्य को ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान माने जानकारी। झूठ की जानकारी या सत्य की जानकारी? तो सत्य की जानकारी का ज्ञान देने वाला वो परम पिता है शिव। लेकिन उस सत्य को, उस ज्ञान को बुद्धि से जीवन में धारण करने वाला पिता है विश्व पिता, प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता। और उस ज्ञान को प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल शरीर से होता है या मन बुद्धि से होता है? शरीर से, है? शरीर से होता है। तो शरीर से प्रैक्टिकली उस ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा कौन, जो 100% धारण करके दिखाए? है जगदम्बा। क्या? जगदम्बा। जिसे भगवान कहा जाता है, विदेशी और बेधर्मी धर्म पिता है और उनके फॉलोअर्स भगवान को निराकार मानते हैं या निराकार साकार दोनों मानते हैं? निराकार को मानते हैं। आत्मा निराकार, तो आत्माओं का बाप भी निराकार। लेकिन वो ये नहीं जानते कि निराकार आत्मा भी बिना साकार शरीर के, बिना 5 तत्वों के पुतले के कोई काम नहीं कर सकती। जब आत्मा भी नहीं कर सकती तो परमपिता आत्माओं का बाप बिना शरीर के कोई काम कर सकेगा? है? नहीं कर सकता। तो निराकार बाप निराकारी वर्षा देने के लिए, माना ज्ञान का वर्षा देने के लिए ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। कैसी माँ? माँ की परिभाषा क्या? हाँ, बड़ी माँ। तो बड़ी माँ जगदम्बा को नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे? है? कहेंगे। तो ब्रह्मा को नहीं कहना चाहिए फिर, या दोनों को कहेंगे? दोनों को कहेंगे। दोनों को कहेंगे। है? बड़ी ब्रह्मा माने बड़ी माँ। ब्रह्मा माने बड़ी माँ। दाढ़ी मूछ वाली। है? हाँ जी, जो दाढ़ी मूछ वाला होता है वो सहन नहीं करता, और जो क्लीन शेव होती है माताएं सहन करती है। उन्होंने पुरुष कर्म में तो सहन किया, नहीं किया, शिव ने प्रवेश कर दिया। शिव बाप आएगा कृष्ण वाले अंतिम 84वें चोले में पार्ट बजाएगा,
तो 84वां चोला धारण करने वाली ये आत्मा सहन शक्ति का पार्ट बजाती है, ये कोई दूसरी आत्मा है जो सहन शक्ति का पार्ट बजाती है? बोलो बोलो बोलो। अगर दादा लेखराज ब्रह्मा सत्यकी कृष्ण की आत्मा ने सहनशीलता का पार्ट बजाया होता तो 63 जन्म में पहले ही बजा दिया होता। बजाया है? नहीं बजाया। तो ये पार्ट किसने बजाया है? शिव बाप ने पार्ट बजाया। लेकिन नाम जो है शरीरधारी का पड़ता है या आत्मा का नाम पड़ता है? तो शरीरधारी आत्मा कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा या शिव बाप? दादा लेखराज ब्रह्मा। तो दादा लेखराज ब्रह्मा आत्मिक स्थिति के आधार पर जो पार्ट बजाया, जिसे कहते हैं जैसा काम वैसा नाम पड़ गया। देहधारी का देहधारी आत्मा का नाम पड़ गया या विदेही का नाम पड़ गया? देहधारी आत्मा का नाम पड़ गया, दादा लेखराज ब्रह्मा। तो आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस मनुष्य सृष्टि में जन्म जन्मांतर या संगम युग में भी, क्योंकि संगम में जैसा पार्ट बजाएगा 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में भी वैसा ही पार्ट बजाएगा, तो वो आत्मा कौन है? भले स्त्री का पुरुष का दोनों का जन्म लेती है, लेकिन पार्ट बजाने वाली सहन शक्ति का कोई विशेष नामधारी आत्मा है ना? कौन? जगदम्बा है, उन्होंने सहन शक्ति अवार्ड बजाया। शिव पिता ने, उसका नाम होता है ब्रह्मा। नाम किसका होता है? तो दादा लेखराज जो दाढ़ी मूछ वाला भल है, लेकिन वो आत्मा का नाम गाया जाता है ब्रह्मा। क्या? सहन शक्ति का पार्ट जो कृष्ण की आत्मा उर्फ दादा लेखराज वाली आत्मा ने बजाया, वैसा पार्ट दुनिया में कोई भी देहधारी आत्मा नहीं बजा सकती, चाहे वो जगदम्बाई क्यों न हो। जगदम्बा का तामसी रूप महाकाली ही क्यों न हो, वो सहन शक्ति का पार्ट नहीं बजा सकती। लेकिन वो तो दाढ़ी मूछ वाला था, क्या वास्तव में उसे मां कहें? कहें नहीं। तो वही आत्मा जब शरीर छोड़ करके कोई दूसरी माता के तन में प्रवेश होकर के पार्ट बजाती है, जिस माता के मस्तक में चंद्रमा दिखाते हैं प्रवेशता की यादगार, कौन सी माता? जगदम्बा महाकाली। वो स्त्री चोला का रूप है। माने माता का रूप है, पिता का रूप नहीं है। फिर पिता का रूप कौन? जगदम्बा है, तो जगत पिता भी होगा। तो जो जगत पिता है वो स्वर्ग का पिता है, 16 कला संपूर्ण पहले पत्ते का पिता है या कोई दूसरा है? वो पिता है।
पिता जन्मदाता को कहा जाता है। सामान्य अर्थों में जन्म देने वाली माता कही जाती है। क्या पूछा जाए इस बच्चे को जन्म किसने दिया? माता ने दिया। माता के अंदर किसने दिया है ना? कोई और देने वाला तो मूल रूप में कोई है ना? तो जो मूल रूप में है, बीज रूप में जो है, वो ही पिता है। तो जो जगत पिता है वो 16 कला संपूर्ण पहले पत्ते का भी पिता है और 16 कला संपूर्ण देवताओं की दुनिया का भी पिता है। वो स्वर्ग का रचयिता है मूल रूप में। और माता कौन? दादा लेखराज ने तो शरीर छोड़ दिया, वो तो प्रैक्टिकल में स्वर्ग का रचयिता नहीं हुआ, स्वर्ग तो नहीं आया। तो माता कौन? जगदम्बा। जगदम्बा माता है तो सिर्फ 5 तत्वों का पुतला है, 5 तत्वों का संघात प्रकृति है। प्रकृति जड़ होती है या चैतन्य होती है? तो जगदम्बा जड़त्व में ही बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि वाली है? कैसे प्रकृति है? देवान का पुतला है। प्रूफ देना पड़े ना। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे भी बिना प्रूफ प्रमाण के नहीं मानते, और दुनिया भी आज बिना प्रूफ प्रमाण के मानेगी नहीं। तो क्या प्रूफ प्रमाण है कि जगदम्बा माताओं के बीच जितनी भी दुनिया में माताएं होती हैं उन सभी माताओं के बीच सबसे जास्ती जड़त्वमयी बुद्धि वाली है? बाप के संग के रंग में ज्यादा आती है। हाँ, दुनिया की जितनी भी माता का पार्ट बजाने वाली है उन सब के बीच में वो ही एक ऐसी माता है जो जगत पिता का लंबे से लंबे समय तक साथ निभाती है। लंबे से लंबे समय तक जगत पिता के साथ प्रैक्टिकल जीवन में मिलन मेला मनाती है। मनाती है या नहीं मनाती है? है? मनाती है। तो पिता अगर शरीर छोड़ देता है मान लो, तो परिवार की ताकत किसके हाथ में आ जाती है? आती है ना। तो जगदम्बा के लिए गायन है क्या कि जगत पिता जब 5 तत्वों के पुतले से परे हो जाता है, मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष का बीज रूप बाप है ना, षष्ठी रूपी वृक्ष में से कौन सा अंग है वृक्ष का जो सबसे पहले डिटैच हो जाता है? पत्ते, जड़ें, टहनियां, तना या फूल?
या फल? फल, फल डिटेच हो जाता है, है? पक जाता है फल तो बीज डिटेच होता है। हाँ जी, इसीलिए दुनिया में भी जो फसल पैदा करने वाले किसान हैं, बागवान हैं, वो कोई भी वृक्ष है या पौधे का जो पहला फल होता है, उस पहले फल में से जो पहला बीज होता है पावरफुल, उसी को बीज मान करके बोते हैं। क्या बाद वाले बीजों को उतना महत्व नहीं देते? क्यों? तो ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसे ये मनुष्य सृष्टि का बीज है, ये मनुष्य सृष्टि का बीज जो 500-700 करोड़ प्रजा का पिता है, वो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष से पहले पहले अपने को डिटैच करता है। कब? अरे संगम युग में जब भगवान आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि रचते हैं, तो जो अब्बल नंबर पुरी के ब्राह्मण हैं, उनका जो मुखिया है कौन? मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? ज्ञान सूर्य का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, आदि से लेकर के इस ड्रामा में अंत तक ज्ञान की रोशनी देने वाला है, वो प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य चैतन्य आत्मा पार्ट धारी उसको निमित्त बनाता है। तो वो पिता है मनुष्य सृष्टि का, जो पिता है वो कैसे साबित होता है कि पिता है? जब, अरे जब क्या करता है? है? वो तो कोई देखेगा ही नहीं। ज्ञान तो निराकार देता है, वो कहां देता है? निराकार आत्माओं का निराकार बाप ज्ञान देता है, या साकार मनुष्य सृष्टि का साकार बाप ज्ञान देता है? ज्ञान की बात तो है ही नहीं है। यहां तो साकार सृष्टि में साकार स्वर्ग की बात है ना, तो स्वर्ग का वर्षा साकार में देने वाला कौन साकार बाप है? राम बाप। उसकी पहचान है कि सब मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में से 500-700 करोड़ की देहधारी जो भी मनुष्य आत्मा पार्टधारी हैं, उनसे पहले पहले डिटैच होता है। क्या? सब ब्राह्मणों की आखिरी परीक्षा क्या है? नष्टो मोहा माने डिटैच होना, अपनी देह से भी डिटैच, देह के संबंधियों से भी डिटैच, देह के पदार्थों से भी डिटैच। तब कहेंगे नष्टो मोहा, तो पहला नंबर कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं जगदम्बा है, जगदम्बा नहीं, जगदम्बा के भी दो रूप है, एक रूप है शरीर और दूसरा रूप है आत्मा।
जो शरीर रूप है, जड़त्वमयी रूप, पांच तत्वों का पुतला प्रकृति, प्रकष्ट रूपेण कृति माने रचना, जो प्रकष्ट रचना है प्रकृति, कौन? जगदम्बा। उस प्रकृति का गीता में भी बताया है, भगवान ने बताया है, मेरी जो विभूतियां हैं वो विभूतियां दो प्रकार की हैं, अष्टधा, आठ विभूतियां जो हैं, आठ प्रकार की, उनके भी दो प्रकार हैं, पृथ्वी वायु जलवायु अग्नि आकाश वगैरह बताया, वो जड़ हैं, लेकिन चैतन्य भी है, परा प्रकृति। तो उनमें जगदम्बा जो है, जिसे धरणी या पृथ्वी कहा जाता है, पृथ्वी नाम क्यों पड़ा? पृथिव्यातीति पृथ्वी, जो चौड़ी होती जाती है वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी नाम पड़ा तो काम भी किया होगा ना? नहीं है? क्या काम किया? सिर्फ भारत माता तक ही सीमित नहीं रही, क्या दुनिया के जितने धर्म खंड हैं, है विस्तार को पाती गई, विस्तार को पाया या नहीं पृथ्वी ने या भारत ने? पृथ्वी ने पाया, इतना विस्तार को पाती गई कि सिखों में आज भी गायन है, राज करेगा खालसा, सारे विश्व की 500 करोड़ विश्व आत्माओं में सभी धर्म के जो भी फॉलोअर्स हैं, मनुष्य मात्र, सबके ऊपर राज करेगी। क्या तब गायन है? राज करेगा खालसा। कैसे राज करेगी? स्त्री में ज्यादा देह अभिमान होता है या पुरुष में, पिता में ज्यादा देह अभिमान होता है? स्त्रियों में बड़ी स्त्री कौन? जगदम्बा। तो देहभान के आधार पर जितने भी 500-700 करोड़ हैं मनुष्य मात्र, देह का भान धारण करने वाले, उन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन? जगदम्बा। इसलिए राज करेगी। और शरीर को कंट्रोल करने वाला कौन? पांच तत्वों के पुतले को कंट्रोल करने वाला कौन? ब्रह्मा की आत्मा। ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा सतयुग में जाके, हाँ प्रवेश तो है, लेकिन नाम शरीर का पड़ता है, ब्रह्मा सो विष्णु, नो विष एटाल, या सूक्ष्म शरीर का पड़ता है? फिर वो ब्रह्मा कौन जो
वैष्णवी देवी के रूप में पूजा जाता है। जिस वैष्णवी देवी में जगदम्बा माने ब्रह्माणी, और विष्णु पत्नी लक्ष्मी, और तीसरी देवी कौन है? अरे वो तो जगदम्बा हो गई ना, बाक देवी। बाक माने बाचा, बाचा के आधार पर ज्ञान सुनाने में उसको कोई हरा सकता है? कोई ब्रह्मा कुमारी हरा सकती है? कोई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हरा सकती है? नहीं हरा सकती। तो बाचा की देवी हुई ना। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में सभी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली है या नहीं कंट्रोल करती है, इसलिए काला रूप धारण कर लेती है। महाकाली या महागौरी? महाकाली। तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? महाकाली को महाकाली कंट्रोल करेगी? महाकाल है, महाकाल कंट्रोल करेगा है। अरे महाकाली जो है देह अभिमान का भयंकर पुतला है, सभी असुरों को काट डालती है, खेल खलासा कर देती है। और दुनिया में सब कलयुग के अंत में असुर ही होते हैं या कोई देवता होता है? है, सारे असुर होते हैं, सबका गला काट देगी। काटेगी या नहीं काटेगी? तो बताओ लक्ष्मी का गला काटेगी कि नहीं? नहीं, नहीं। है, लक्ष्मी ब्रह्मा कुमारी है या शिव कुमारी है? है, ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा कुमारियों में परंपरा है, दृष्टि देना दृष्टि लेना है ना। तो ये बात ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि में अभी तक भी नहीं बैठी, क्योंकि वो समझती हैं हम ही शिव शक्ति हैं। क्या समझती हैं? हम ही शिव शक्ति हैं। और ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां नाम धर के बैठी हैं, ये शिव की पवित्र शक्तियां नहीं, हम शिव शक्ति हैं। उनसे पूछा जाए शिव का प्रैक्टिकल रूप कौन, तो बिंदी बता। तो विधर्मी हुए, विदेशी हुए या स्वदेशी हुए? जो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, जिनकी बुद्धि में अंत तक ये अगर नहीं बैठता है कि दृष्टि का लेन देन नहीं करना चाहिए मनुष्य आत्माओं को, परमपिता शिव की बात अलग है। तो परमपिता शिव को जो दृष्टि से सारी सृष्टि को पावन बनाता है, संग के रंग से है? बनाता है कि नहीं?
प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों के द्वारा बनाता है या हवा में बनाता है? तो वो ब्रह्मा कुमारियां बताएंगी, वो ब्रह्मा कुमारी जो ब्रह्मा के वंश से चंद्र वंश से कन्वर्ट होकर सूर्यवंशी बन जाती है, वो अभी बता सकती है? तो उसका बाप कौन? वो शिव कौन जिसकी शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारियां अपन को कहती है? उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है शिव का? जो दृष्टि से, दृष्टि के फोर्स से सारी सृष्टि को पावन बनाता है, और चार चित्रों में कोई एक चित्र में आत्माओं के बाप ने साक्षात्कार के आधार पर ये साबित किया है कि वो एक ही रूप है जो दृष्टि के आकर्षण से सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को, 500-700 करोड़ आत्माओं को आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। कैसा आकर्षित करता है? जो मुरली में, वेदवाणी में बताया, मन मना भव, क्या मत मेरे मना, मन में भव माने समाज। किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला ये मन मना भव? कौन सी आत्मा ने बोला है? शिव बाप ने। उनको मन है? है? शिव को तो मन है ही नहीं, वो तो अमन है। आज भी अमन, कल भी अमन, पहले भी अमन था। क्या उसका मन कभी चंचल होता ही नहीं? तो वो कहने वाला कौन है आत्मा जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, और उसका झाड़ में चित्र भी दिया हुआ, क्या शंकर है। सृष्टि की सारी आत्माएं खींच करके, बिंदु बिंदु आत्माएं उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई नहीं देती, और मूर्ति भी है, मूर्त का मूर्तमान भी है, आंखों से दिखाई भी देती है, ये क्या बात हुई? ऐसी अव्यक्त मूर्ति है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती और मूर्तिमान भी है, दिखाई भी देती है, माने व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। कौन? शंकर। शंकर की जो कर्म इंद्रियां दिखाई देती है, हाँ, पुरुषार्थ करके जब वो आत्मा जो याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ शंकर है, वो पुरुषार्थ संपन्न करके जब शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है, जो शिव बाप का विरुद्ध है कि मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बना कर ले जाऊंगा, तो अव्वल नंबर कोई 100% शिव बाप समान बनता होगा ना? कौन बनता होगा? है वही मनुष्य सृष्टि का भी, जिसे शंकर कहा जाता है, जिसको कौन से पुरुषार्थ में दिखाते हैं? चित्र जो चरित्र की यादगार हैं, वो याद का चरित्र दिखाते हैं मोस्टली। याद चित्र याद के रूप में बैठे हुए हैं या दूसरे रूप में बैठे हैं? याद के रूप में।
तो याद का ऐसा गहरा पुरुषार्थ करती है कि अब्बल नंबर शिव समान स्टेज को प्राप्त करती है और उसका रूप शिवलिंग बनाया गया है। जो लिंग बड़ा रूप तो देखने में आता है, व्यक्त है, आंखों से देखने योग्य है, लेकिन उसमें ना कान, कान हाथ पांव इंद्रियां देखने में नहीं आती, तो अव्यक्त है। अव्यक्त है माने अव्यक्त भी है और व्यक्त भी, इसलिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना। क्या ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से ही जन्म लेता है और उसी में समा जाता है। सृष्टि के महामृत्यु के समय सभी मनुष्य आत्माएं उस स्वरूप को, उस विश्व पिता को पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी? जब पहचानेंगी कि ये विश्व पिता है, विश्व में स्वर्ग भी है नरक भी है, वो स्वर्ग का भी पिता है और नरक का भी पिता है, क्योंकि ब्रह्मा मुख से आत्माओं के बाप ने बोला, त्रिकालदर्शी ने, क्या स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? शिव ने है? शिव नहीं बोलता, शिव नरक की दुनिया बनाता भी नहीं। बनाता है नहीं, नरक की दुनिया बनाता भी नहीं और स्वर्ग की दुनिया भी खुद नहीं बनाता। हाँ, स्वर्ग की दुनिया बनाने वाले को परिचय देता है, जैसे ब्रह्मा को परिचय मिला, मुझे सफेद पोश ब्रह्मा का पार्ट बजाना है, मैं ब्रह्मा सो विष्णु भविष्य में बनूंगा। विनाश का साक्षात्कार किया तो बुद्धि में आया अब ये दुनिया खत्म होने वाली है। ऐसे ही जब ब्रह्मा रूपी माता गीता माता के द्वारा पूरा ज्ञान, पूरी जानकारी मिल जाती है गीता माता की, रोम रोम की जानकारी मिल जाती है, तो जिसको जानकारी मिलती है वो स्वर्ग बनाने की जानकारी पाता है या नहीं पाता है? स्वर्ग बनाने की भी जानकारी पाता है, इसलिए पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में दरवाजे पर एक बड़ा बोर्ड लगाया जाता था, उसमें कृष्ण का चित्र छपाया जाता था, हाथ में स्वर्ग का गोला और लात में नरक का गोला, माना बुद्ध रूपी तीरी हथेली पर स्वर्ग का नक्शा आ जाता है। कृष्ण की तीरी पर बहिस्त माना स्वर्ग आ जाता है, स्वर्ग का नक्शा आ जाता है, प्लानिंग आ जाती है और नरक की दुनिया को लात मारता। जब नरक की दुनिया को प्रैक्टिकल में लात मारता है और नई दुनिया का प्रैक्टिकल में नक्शा बुद्धि में आ जाता है, सन 76 से ही, तब से ब्रह्मा कुमारियों ने वो चित्र उड़ा दिया, सब सेंटरों के दरवाजे से उतार लिया गया।
अब वो चित्र सही था या गलत था? सही था, लेकिन ब्रह्मा कुमारियां नहीं जान सकी कि सतयुग की कृष्ण की बात है या संगम युगी कृष्ण की बात है। संगम युगी कृष्ण की बात है, जो बोला है इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ तो कौन सा सन आया? 76। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म जो होता है वो बच्चे के रूप में होगा, शिशु रूप में होगा, जानकार के रूप में होगा या अबोध बच्चे के रूप में होगा? है, बच्चा अबोध होता है या उसको बोध होता है? अबोध होता है, धीरे 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 है बुद्धि आती है, पहले अबोध होता है। तो सन 76 में वो एक पैर है लक्ष्मी नारायण, जिनकी बुद्धि में पिता की बुद्धि में कि माता की बुद्धि में? पिता की बुद्धि में वो स्वर्ग के वर्षे की तस्वीर आ जाती है, प्लानिंग आ जाती है। प्लानिंग जो पहले बुद्धि में आती है, फिर कागज पर आती है, फिर मॉडल बनाया जाता है, फिर प्रैक्टिकल में मकान बनाया जाता है। तो प्रैक्टिकल स्वर्ग बनने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? टाइम बाबा ने बता दिया, क्या तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं, माना तुम सत्व प्रधान बनेंगे तो तुम्हारा संगठन भी सत्व प्रधान बनेगा। तो 40 वर्ष पूरे होते हैं 2017-18 के अभी, तो सत्य जो है वो रह जाता है और बाकी महाकाली जो थोड़े बहुत तो गोरे रह जाते हैं उनको भी काला बना देती है। क्या महाकाली जगदम्बा के रूप में बच्चे माता के संग में ज्यादा आते हैं या प्रैक्टिकल में पिता के संग में ज्यादा आते हैं? तो माता प्रैक्टिकल में अपने संग के रंग में लेकर के सूर्यवंशियों को भी, क्या बच्चे हैं लेकिन अम्मा के बच्चे हैं या नहीं? अम्मा के बच्चे हैं या नहीं? अम्मा से पैदा होते हैं या नहीं? मेल हैं लेकिन जो राजधानी तैयार होगी वो राजधानी प्रैक्टिकल में होगी या हवा में होगी? तो प्रैक्टिकल में जो राजधानी होगी उस राजधानी में पहले बाप होगा या बच्चे होंगे? और वो बाप एक है या अनेक है? तो वो एक बचता है और बाकी सब माँ की गोद में समा जाते हैं। समाने वालों में कोई पहले ही चले जाते हैं और कोई बाद में जाते हैं, कोई तन से मन से धन से पहले ही समा जाते हैं, कोई बीच में समा जाते हैं, कोई एकदम लास्ट में जाते हैं, जैसे अष्टदेव। क्या अष्टदेव बाप के सहयोगी अंत तक रहेंगे या नहीं रहेंगे? अंत तक रहेंगे, लेकिन वो भी
उनको भी माया छोड़ती छोड़ती नहीं है। वो ही माया जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला माया तंग आ गई है, क्या माया थक चुकी है तुम बच्चों से लड़ाई लड़ते लड़ते। कब की बात है? अरे उस माया बेटी ने प्रैक्टिकल में कब शरीर छोड़ा है? शरीर छोड़ा कि नहीं? शरीर छोड़ दिया, थक गई, हार्ट फेल हो गया। तो आत्मा तो नहीं खलास हो गई है? तो आत्मा ने उस आत्मा ने क्या युक्ति निकाली है? मैं तो थक चुकी, मैं नहीं जीत पाऊंगी, तो प्रकृति से हाथ मिलाया। प्रकृष्ट कृति पंच तत्वों का पुतला, संघात संगठित रूप। पांच तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा? पृथ्वी। तो पृथ्वी माता का सहारा ले लिया, जहां प्रकृति का सत्युग में सतो प्रधान रूप और कलयुग के अंत में तमो प्रधान रूप देखने को मिलता है। चांद सितारों में या पृथ्वी ग्रह में है? पृथ्वी पर सत्व प्रधान रूप भी प्रकृति का और तामसी रूप भी प्रकृति से हाथ मिलाई लिया, और उसका नाम ही है प्र कृति। कृति माने रचना, प्र माने प्रकृष्ट। जो भगवान बाप की प्रकृष्ट रचना है, पावरफुल, उससे ज्यादा पावरफुल कोई कोई आत्मा नहीं। क्या 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में बीज रूप बाप को छोड़कर कोई आत्मा इतनी पावरफुल नहीं है जिसने बाप सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान बाप का इतना संग का रंग लिया हो। कोई है? है कोई नहीं, उसे हाथ मिला लिया। तो माया बहुत पावरफुल हो गई कि नहीं हो गई है? तो फिर अष्टदेव जो अंत तक अष्टमूर्तियों के रूप में पूजे जाते हैं, शिव की अष्टमूर्तियां, उनको भी पढ़ी लेगी या नहीं पढ़ी लेगी है? उनको भी नहीं छोड़ती। माना सारी सृष्टि के ऊपर महाकाली और माया का साया परछाया फैल जाता है। फिर बीज तो जिंदा रहता है, बीज तो खत्म नहीं हुआ, बाप तो रहा ना, रहा या नहीं रहा? रहा। तो दिखाया जाता है सृष्टि वृक्ष के ऊपर, वो आत्मा बैठी हुई है, मनुष्य सृष्टि का बीज, और सारी 500-700 करोड़ आत्माएं खींच करके उसकी याद में, जिसके लिए बोला मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ उसके मन में क्या है? उसके मन में महल माड़िया है, लड्डू पेड़ा जलेबी है, बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, या कोई सुंदर स्त्री समाई हुई है? हा? कौन समाया हुआ है? अरे है, अरे कौन समाया हुआ उसके मन में, कौन समाया हुआ है?
शिव बाप समाया हुआ। तो वो कहता है मनमना भव, मेरे मन में समा जा। तो सारी सृष्टि की कोई भी धर्म की मनुष्य आत्मा क्यों न हो, सब किस में समा जाती है, है? मेरे मन में समा जा का मतलब क्या हुआ, मेरा मन बिंदु में समाया हुआ है तो सबका मन कहां समा जाए, बिंदु में समा जाए। तो देखो कोई भी बड़े से बड़ा परिवार क्यों न हो, दुनिया में बड़े से बड़ा परिवार वाला धर्म पिता क्राइस्ट कहा जाता है, 200-250 करोड़ मनुष्यों का बाप कहा जाता है। ये 200-250 करोड़ जो क्रिश्चियंस हैं वो मूल रूप में कहां से निकले, जीसस से निकले, जिस जीसस में प्रवेश किया। अरे जिसमें प्रवेश किया ना उससे निकले, निकले है? उससे नहीं निकले। जिसस मां हुई ना, जिसे से जन्म देने वाली मां हुई ना, उस मां को भी जन्म देने वाला कोई था, था या नहीं? तो उस मां को जो जन्म देने वाला था, उस चौथे नारायण का बाप वो कौन? आठ नारायण, उन आठ नारायण को जैसे पहला नारायण है सतयुग का, उसको जन्म देने वाला कोई है या नहीं है? तो ऐसे ही बाकी जो सात नारायण बचे उनको जन्म देने वाला कोई बीज है या नहीं है? तो वो ही बीज है जो क्रिश्चियंस को जन्म देने वाला बाप है, साकार रूप में है। निराकार आत्मा तो ऊपर से आता, जैसे शिव बाप ऊपर से आया और मनुष्य सृष्टि का साकार बीज नीचे है, ऐसे ही सब धर्मों में जो सूक्ष्म बीज बाप है वो ऊपर से आता है और जो साकार बीज है हर धर्म का बीज रूप बाप वो संगम युग में तैयार हो रहा है अष्टदेवों में से। वो अष्टदेव सब धर्मों के पूर्वज हैं, पूर्व माने पहले, जा माने जन्म लेने वाले। क्या है, हर धर्म में कोई न कोई पहला होगा ना जो उस धर्म के सब फॉलोअर्स को जन्म देता होगा, तो कौन होगा, कौन से ग्रुप में होगा, है? वही है जो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती है, वो मुखिया हैं और चार उनके सहयोगी हैं। चार मुख्य धर्म हैं, उन मुख्य धर्मों के चार सहयोगी हैं। तो जो चार मुखिया हैं और उनके सहयोगी हैं वो ही अष्ट दिशाएं कही जाती है, अष्ट दिग्पाल कहे जाते हैं। चार दिशाएं और उनके कोण, कोने। आठों दिशाओं में राज्य करने वाले सृष्टि के आदिकाल में कोई हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया की आठ दिशाओं पर राज्य किया है मिलकर के,
और उन आठ के ऊपर एक है जो नवरत्न की अंगूठी में बीच में रतन डाला जाता है। मतलब कि बीज बाप मुखिया है। क्या बीज बाप ही मुखिया है। लेकिन जो मूल बीज है वो मूल रूप में सूर्यवंशी हैं या और वंशी हैं? सूर्यवंशी हैं। वो सूर्यवंशी आदि से लेकर अंत तक सूर्य को सहयोग देने वाले हैं या दूसरे धर्म पिताओं को या उनके फॉलोअर्स को सहयोग देने वाले? तो वो कौन है जो संगम युग में भी जो बीज बाप के सहयोगी नहीं बनते सदा? क्या ऊपर से आने वाले धर्म पिता के सहयोगी बनते हैं? अपने से जन्म लेने वाले नारायण के सहयोगी बनते हैं? इसलिए नौ धर्मों के नौ ग्रुप हैं, बारह बारह के। यही कारण है कि दुनिया की सभी मनुष्यात्माएं कितनी राशियों में बांटी जाती हैं? बारह राशियों में बांटी जाती हैं। हर धर्म में ये बारह राशियां हैं। वो बारह बारह के ग्रुप अलग अलग धर्मों के हैं। उन बारह का कोई मुखिया भी होगा? होगा कि नहीं? तो जो मुखिया है वो संगम युग में भी सदा काल का साथी नहीं है विश्व पिता का, और वहां भी द्वैतवादी द्वापर युग में भी साथ ही नहीं रहते। तो वो कौन है वो बारह बारह के ग्रुप जो और धर्मों के हैं सूर्यवंश को छोड़ करके उनके मुखिया ही उन कम कलाओं वाले नारायणों को जन्म देने वाले? तो देवभानु को नहीं छोड़ पाते, जो देवभानु को नहीं छोड़ पाते उनमें पंचभूतों की शक्ति ज्यादा है या आत्मिक शक्ति ज्यादा है? पंचभूतों की शक्ति ज्यादा है। तो यही बात बताई है कि जब आत्माओं का बाप आएंगे तो इस सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को क्या देंगे? नंबर बार स्वर्ग, जन्नत या हेवन का रचयिता देंगे, उनकी बुद्धि में डालेंगे कि स्वर्ग का रचयिता कौन? हेवनली गॉडफादर कौन? जन्नत का रचयिता कौन? वो रचयिता की बात बुद्धि में डालेंगे। कब, कौन से युग में? अभी डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं?
शिव बाप डाल रहे हैं कि कोई दूसरी आत्मा डाल रही है? है? शिव बाप ही ये ज्ञान दे रहे हैं हरेक की बुद्धि में कि 500-700 करोड़ को जीवन मुक्ति का देने वाला कौन है? जीवन भी रहे लेकिन जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्ति का भी अनुभव करें। तो आते तो जरूर हैं, क्योंकि स्वर्ग और स्वर्ग के 5000 वर्ष पील बाद नरक, फिर उनको आना तो जरूर पड़ता है, क्योंकि दुनिया नरक बन जाती है। जैसे रावण को भी आना पड़ता है क्या, और राम को भी आना पड़ता है, भी क्यों लगा दिया है? भी लगा दिया माना दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? राम और रावण एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। आने का टाइम एक ही है या अलग अलग है? है? अलग अलग है। रावण के 5 सिर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो काम विकार का फाउंडेशन लगाने वाला पहला बड़ा, उसके बाद क्रोध, फिर लोभ मोह फिर अहंकार। और 5 विकारों की जन्मदात्री देवान, माता है या पिता है? है माता है। इसलिए रावण के सिर के ऊपर कौन दिखाते हैं? गदा दिखाते हैं। शिव बाबा क्या है? गदा है कि बाशरमैन है? है बाशरमैन, धोबी है ना। प्रैक्टिकल रूप क्या है? शिव ज्योति बिंदु, उसका प्रैक्टिकल शारीरिक रूप क्या है? बाशरमैन का है, हाँ, यज्ञ के आदि में भी था, मध्य में भी और अंत में भी होता है, इसलिए यादगार बनता है। जो सार्वभौम सारी सृष्टि पर शिव के मंदिरों के रूप में, शिवलिंग रूप में खुदाइयों में मिला है, मिला है कि नहीं? तो वो रूप जो है वो संगम में तैयार होता है या ऑलरेडी है ही है? है संगम में तैयार होता है। नाम क्या कहा जाता है? उस अव्यक्त मूर्ति का नाम क्या दिया जाता है? है वो तो पुरुषार्थी रूप है, शिवलिंग। जो शिवलिंग है उसमें जो शिव समान तत्व है, शिव की यादगार, जैसे सोमनाथ मंदिर में हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा शिव है या शिव की यादगार है? है? वो हीरा शिव है या शिव की यादगार है? यादगार है। शिव तो पत्थर बनता ही नहीं, शिव पत्थर बुद्धि बनता है, वो हीरा पत्थर बुद्धि बनता है, बनता है ना। तो बताया वो आते हैं, वर्षा दे करके जाते हैं, तो
वो आकर के तो वो आकर के साप देते हैं। क्या कहा? वो आते हैं तो स्वर्ग का वर्षा देकर जाते हैं। कौन? ऊंचे थे ऊंचा भगवान, ऊंचे थे ऊंचा करतार, आते हैं तो स्वर्ग का वर्षा देकर जाते हैं, तो वो आकर के साप दे देते हैं। कौन? रावण। कब आकर के श्राप दे देते हैं? द्वैतवादी द्वापर युग से श्राप दे देते हैं। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो राजा, दो दो भाषाएं, दो दो मत, दो दो कुल, हर बात में द्वैतवाद, दो से चार, चार से आठ, वैमनस्य बढ़ता ही जाता है। श्राप दे देते हैं तो उसे भक्ति मार्ग कहा जाता है। कौन से युग से श्राप देते हैं? द्वापर युग से श्राप दे देते हैं। कौन हुए फिर? कौन हुए? अरे वही हुए ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि जिनमें प्रवेश करते हैं उनको जन्म देने वाले आए ना, जन्म देने वाले ऊपर से आए ना, स्वर्ग से, उन्हीं के संग के रंग से ऊपर से आने वाली आत्माएं नीचे गिरती है ना, है? नीचे गिरी है, ऊपर से। तो दोषी कौन हुए? ऊपर से आने वाले, या जो इस सृष्टि पर स्वर्ग से नीचे उतर करके आए हैं वो? हाँ, उन्होंने वो कमजोरी कहाँ धारण की? संगम में धारण की, वो विचार की कमजोरी। भले वो दृष्टि का व्यभिचार ही क्यों न हो, तो देखो रावण आते हैं तो भक्ति मार्ग हो जाता है, बुद्धि भागती रहती है, एकाग्र नहीं होती। आत्मिक स्थिति में कोई रहता है? है? कोई नहीं रहता। मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु भागती रहती है तो भक्ति मार्ग हो जाता है। अच्छा, ज्ञान पूरा होता है, ज्ञानदाता आता है, त्रिकालदर्शी आकर क्या देता है? निराकार आता है तो निराकारी वर्षा देता है ज्ञान का। देने का टाइम पूरा होगा कि नहीं होगा? है? कब पूरा होता है? अरे हाँ, जब पहली आत्मा तैयार हो जाती है, शिव समान जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, तो ज्ञान पूरा हो जाता है, दिन पूरा होता है। क्या? दिन पूरा होता है तो फिर रात पूरी होती है। दिन के बाद क्या होगा? रात होगी। रात में सब अज्ञान रूपी अंधेरे में आ जाएंगे या रोशनी में रहेंगे? अंधेरे में आ जाएंगे। आठ भी, 108 भी, ब्रह्मा की हजार भुजाएं भी, 16108 जो जन्म जन्मांतर राजाओं के घराने में आने वाली आत्माएं हैं, वो भी अज्ञान अंधेरे में आएंगे। तो उन सब के फॉलोअर्स भी अज्ञान अंधेरे में आ जाते हैं। कब? 2017 या उसके बाद। फिर रात जब पूरी होती है तो दिन होता है, है? होगा कि नहीं? दिन होता है। सो दिन में तो है ही ये दो घराने,
कब होता है दिन? 17 के बाद है, है? 27 में जब 108 की प्रत्यक्षता हो, 108 के आधार पर टू लेट का बोर्ड लगे, 17 में 8 के आधार पर टू लेट का बोर्ड, 76 में हाँ एक पेयर के आधार पर टू लेट का बोर्ड। तो देखो जब दिन होता है तो दिन में है ही ये दो घराने। कौन से दो घराने? सूर्यवंशी बचेंगे और चंद्रवंशी बचेंगे। और रात में फिर ये शुरू हो जाता है भक्ति मार्ग जो अभी बताया। भक्ति मार्ग होता है कि नहीं? ये हैं तो बातें नटसेल में बिल्कुल सहज हैं समझाने की। क्या जब दिन शुरू होता है तो दो ही घराने हैं, सूर्यवंश चंद्रवंश। कब से शुरुआत होती है? संबत 1111 कब? 2017। दो घराने, कौन से दो घराने? सूर्यवंशी कौन और चंद्रवंशी कौन? हाँ, रुद्रमाला के जो मणके प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं वो हुए सूर्यवंशी, और वो जो कन्याओं के रूप में हैं और अपने कुल को छोड़ करके सूर्यवंशी कुल को वरण करती हैं वो चंद्रवंशी। ऐसे ही तो परंपरा में होता आया है सृष्टि में। क्या वरपक्ष और वधुपक्ष, ऊंचा कुल कौन सा माना जाता है? वरपक्ष ऊंचा माना जाता है। तो यहां से शुरुआत हुई, इसलिए गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। मेरे रास्ते का ही सारी दुनिया अनुगमन करती है। तो ये हैं दो बातें नटसेल में बिल्कुल सहज समझाने की। तो पहले जो दो कुल हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश, उनमें पहले क्यों ना ऊंचे थे ऊंचे भगवंत को उसको बता करके उनको पकड़ लेना चाहिए, अच्छी तरह से पकड़ लेना चाहिए। और ये ऊंचे थे ऊंचे भगवंत की बात पिछले कई दिनों से कई तारीखों से बताते चले आ रहे हैं कि त्रिमूर्ति में वो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत वो मूर्ति कौन सी है? है शंकर की मूर्ति है। शंकर की मूर्ति है तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये क्यों कहा जाता है? शंकर की अगर ऊंचे थे ऊंची मूर्ति है तो वो याद में क्यों बैठा है, पुरुषार्थ क्यों करता है? फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत है? है तो वो ऊंचे तो ऊंचा भगवंत कहां हुआ? जब तक याद में बैठा है तब तक ऊंचे थे ऊंचा भगवंत नहीं है। दूसरे धर्म के लोग उसको नहीं मानेंगे। नारायण भी बाद में, पहले अव्यक्त मूर्ति बने। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति, ऐसी साकार मूर्ति जिसकी मन बुद्धि में इंद्रियों का भान न रहे, याद ही न रहे। क्या याद रहे? मैं आत्मा ज्योतिबिंदु, मेरा बाप ज्योतिबिंदु। वो कहता है गीता में कौन सा महावाक्य कौन सा मंत्र
मन मना भव, मेरे मन में समा जा, ये नहीं ज्योति बिंदु शिव में समा जा। जो ज्योति बिंदु शिव की याद में समा जाएंगे वो परमधाम में पड़े रहेंगे या स्वर्ग में आएंगे? परमधाम में पड़े रहेंगे। जिसमें समा गए उसका वर्षा मिलेगा, क्योंकि जो स्वर्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग से बनेगा या निवृत्ति से बनेगा? प्रवृत्ति से बनेगा। तो ये जो प्रवृत्ति की स्वर्ग की दुनिया है वो जरूर प्रवृत्ति मार्ग वाला है, जिसके द्वारा ये दुनिया तैयार होती है। वो रूप है शिवलिंग, और तुम सब पार्वतियां हो। क्या एक नहीं, तुम सब पार्वतियां हो, माने पार लगाने वाली हो या डुबोने वाली हो, तुम सब पार लगाने वाली। संबंध पार्वती का शिव बाबा से चाहे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हो चाहे कर्मेंद्रियों के द्वारा हो, चाहे ज्ञानेंद्रियों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय आंख से हो और चाहे कर्मेंद्रियों में सबसे पावरफुल इंद्रिय कामेंद्रिय क्यों हो, लेकिन सब पार्वतियों का संग किसे हो? एक शिव बाबा से। एवरलास्टिंग महामृत्यु के समय जिनका एक से संबंध बनेगा वो ही राजघराने में आएंगे, नहीं बनेगा तो राजघराने में नहीं आएंगे। सत्युग में भी संबंध होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? होते हैं। बच्चे का भी संबंध होता है, बच्ची का भी संबंध होता है, पत्नी का भी संबंध होता है। तो पत्नी का संबंध जो होता है वो कौन सी इंद्रिय से होता है? हैं? काम इंद्रिय से होता है सत्युग में। वाह भैया, सत्युग की तो बात कर रहे हैं, आंख से होता है, श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रिय से होता है। तो यही बात है, सारी सृष्टि में जो भी विश्व धर्मों की विश्व आत्माएं हैं उनमें से जो राजयोग सीखकर राजघराने में आने वाली तुम सब पार्वतियां हो, जिनके लिए बोला है ब्रह्मा के मुख से, वो पार्वतियां ऐसे नहीं है कि सब कर्मेंद्रियों से संबंध जोड़ने वाली है या सब ज्ञानेंद्रियों से संबंध जोड़ने वाली है। कोई का क्या हिसाब और कोई का क्या हिसाब, तो वो हुआ ऊंची से ऊंचा भगवान, और वो हुई राजघराने में आने वाली ऊंचे से ऊंची भगवती का पद धारण करने वाली आत्मा। उनको बता करके ऊंचे से ऊंचे भगवंत को, उनको अच्छी तरह से नटसेल में पकड़ लेना चाहिए त्रिमूर्ति की चित्र। कई दिन से त्रिमूर्ति की ही व्याख्यान बाबा देते चले आ रहे। अरे कोई को समझाना है तो जास्ती मत्था क्यों मारना चाहिए? हा? पहले पहले किसका परिचय देना चाहिए है? क्योंकि मूल बात पिछाड़ी में आकर ही रहती है। क्या
इस सतयुग में भारत में था ही ये देवी देवताओं का राज्य। सतयुग में किसका राज्य था? ये देवी देवताओं, किस कौन से देवी देवताओं की तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। लक्ष्मी चंद्रवंश से आई, नारायण सूर्यवंशी, दोनों की सट्टा जोड़ी हुई 21 जन्म के लिए। तो ये बना स्वर्ग की रचयिता। डीटी डिनेस्टी उसको कहा जाता है, देवी देवताओं का राज्य। क्या कहा? देवी देवताओं का राज्य है, सतयुग के मध्य में, अंत में या आदि में? मध्य वाले देवी देवता हैं ही नहीं, पक्के देवी देवता नहीं है, कच्ची देवात्माएं हैं या पक्की देवात्माएं हैं? पक्के वो हैं जो पूरे 16 कला संपूर्ण बनते हैं। सेकंड नारायण और उसकी प्रजा 16 कला संपूर्ण बनेंगे या कुछ कला कम हो जाएंगी? कमजोरी आ गई ना, है? दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद विष का डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सारा ही विषैला हो गया। तो देवी देवताओं का जो राज्य है, उस राज्य को देने वाला कौन? प्रैक्टिकल में देने वाला कौन है? कौन? परमपिता। परमपिता है मनुष्य सृष्टि का बाप, वो स्वर्ग का भी रचयिता और नरक का भी रचयिता। उसको रचने का ज्ञान देने वाला कौन है? शिव बाप। ओम शांति। आगे बोला, देवताओं, देवी देवताओं का राज्य वो कहां गया है? देवी देवताओं का वो राज्य कहां गया है? विधर्मियों के संग के रंग से वो राज्य नष्ट हो गया, आत्मिक स्थिति खत्म हो गई, विचार से खत्म हुई। या देवी देवताएं जो अभिविचारी थे, राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी, वो अभिविचारी स्टेज नरक बनाती है। या विविचारी जो धर्म आए हैं, धर्म पिताएं आए हैं, उन्होंने जो विविचार सिखाया उससे नरक बना। तो वो देवी देवताओं का राज्य कहां गया है? विधर्मियों के संग के रंग से नष्ट हो गया। ओम शांति।